कई दिग्गजों ने कहा है, अपने देश से ये मत पूछो कि देश ने तुम्हारे लिए क्या किया है, पूछो तुमने इस देश के लिए क्या किया है। एक मामूली सा वाक्य है और हम सब सोचते हैं कि हमें सिर्फ पाने का अधिकार है, मगर बहुत ही कम लोग ये सोचते हैं कि हमने दूसरों के लिए क्या किया है। जिस अधिकार को पाने के लिए हम यूं ही बैठ जाते हैं सामने, हमने उसके लिए उसमें क्या योगदान दिया है? जब तक हम कोई योगदान ही नहीं दे रहे तो हमें कैसे कुछ हासिल हो सकता है? इस दुनिया में हर चीज लेन देन का ही तो एक हिसाब है। जब तक ये ध्यान पाने पर रहेगा, तब तक मनुष्य सदा दुखी रहेगा। अपेक्षाओं से ही घिरा हुआ वो दुख में खो जाएगा। जरूरी है तो अपने आप को उस स्थिति में लाना जहां आप दूसरों को दान दे सकें, जहां आप वो दिव्य शक्ति बन सकें जो नेकी कर सकता है और भूल भी सकता है। इस बात को जब हम अपने अंदर भास लेंगे, अपने अंदर अभ्यास से भर लेंगे, तो हम कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाएंगे। हमारा हाथ उठेगा तो सिर्फ सबको दुआ और दान देने के लिए। अधिकार को पाना हमेशा एक जंग होने की ज़रूरत नहीं है। अपने ही लोगों से जंग नहीं की जाती। अपने कर्तव्य को अगर आप पूरा करेंगे, स्वयं ही आपके हिस्से की चीज़ आप तक चलती आएगी। ये एक ऐसा दिव्य कानून है जिसे आज तक कोई नहीं बदल पाया है। जो आप दोगे वही आप पाओगे, जो आप बोओगे वही आप खाओगे, तो क्यों कुछ और ढूंढते हो? इस बात को अपने अंदर तक जाने दो, और उसको जाने के लिए चाहिए विवेक और ज्ञान। तो चलिए बैठते हैं ध्यान में। एक आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं, आंखें बंद कर लें, हथेलियों को अपनी गोद में रख लें, चेहरे पर एक मन सी मुस्कान आने दें और एक गहरी सांस भरते हुए इसे शरीर में रोक लें और अब मुंह से सांस छोड़ते हुए शरीर को ढीला होने दें, कंधों को नीचे की तरफ गिरने दें, कमर को सीधी रखें हर वक्त, अपने जबड़े को ढीला छोड़ दें, आंखों के आसपास की मांसपेशियों को ढीला छोड़ दें। अपना ध्यान फिर से अपनी नाक के बिल्कुल आगे वाले हिस्से पर लेकर आएं जहां से सांस अंदर आ रही है, और देखिए क्या रंग है इस सांस का। सांस अंदर भरी और देखिए कि वो छाती से भी नीचे अपने पेट तक जा रही है, और इसे कुछ पल रोक कर अपने मुंह से सांस छोड़ते हुए सारे शरीर के तनाव दुख दर्द को बाहर जाने दीजिए। कहिए मुझसे दूर हो जा और मुझ में अब सिर्फ शक्ति का प्रवाह हो। एक और लंबी गहरी सांस लीजिए और इसे रोक लीजिए और देखिए कि ये सांस, ये ऊर्जा पूरे शरीर में घूम रही है और इस सांस को छोड़ते हुए फिर से शरीर को और हल्का होने दें, ढीला छोड़ दें, बिल्कुल शांत होने दें। एक आरामदायक स्थिति में अब आप आ चुके हैं। यदि आपका ध्यान कहीं भटके तो दोबारा अपना ध्यान अपनी नाक के छोर पे ले आएं और देखिए किस तरह से सांस अंदर आ रही है, आपके मस्तिष्क तक जा रही है, और किस तरह से सांस बाहर जा रही है। शरीर को पूरी तरह से स्थिर रखें, देखिए किस तरह से हवा का प्रवाह आपके शरीर को छू रहा है, कैसा ये महसूस करवा रहा है आपको। क्या आपको अपने अंदर एक शीतलता महसूस हो रही है, एक गर्म ऊर्जा महसूस हो रही है? क्या आपकी सांस लंबी है, गहरी है? कहाँ पर तनाव अभी भी बरकरार है? अपनी सांस को उधर तक निर्देशित कीजिए और हर बार सांस को मुंह से छोड़ते हुए
तनाव को अपने शरीर से दूर जाने दीजिए, बिल्कुल दूर जाने दीजिए। अपनी ऊर्जा शक्ति से वाकिफ होए। देखिए आपके शरीर के चारों ओर एक सफ़ेद रंग का दिव्य प्रकाश प्रवाहित हो रहा है। यह आपकी ऑरा है, आपकी ऊर्जा शक्ति है। किस तरह का रंग है इस ऊर्जा शक्ति का? क्या ये भारी है या हल्की है? क्या इसके अंदर किसी भी तरह के कटु विचार आसानी से प्रवेश कर पा रहे हैं, या फिर ये एक बहुत ही मोटी परत है जिसको कोई भी छेद कर आगे नहीं आ सकता? इस सफेद ऊर्जा को आप अपनी सांस के साथ बढ़ा सकते हैं। जैसे जैसे आप लंबी गहरी सांस लेंगे, ये ऊर्जा और दिव्य तरीके से बढ़ती जाएगी और आपके अंदर शक्ति स्फूर्ति स्वयं ही आती जाएगी। अपना ध्यान अपनी रीढ़ की हड्डी के बिल्कुल निचले हिस्से पर ले जाएं और देखिए कि यहाँ से एक प्रकाश धीरे धीरे ऊपर की तरफ उठ रहा है, आपके अंदर की सारी काबिलियत को जगाते हुए, आपकी कुंडली को जागृत करते हुए यह आपके मस्तिष्क तक जा रहा है। और ये एक ऐसी ऊर्जा है जो उस खाने पीने से नहीं, सिर्फ उस परमात्मा से जुड़ने से बढ़ती है। ये आप में वो शक्ति देती है कि आप इस दुनिया में कोई भी काम कर सकते हैं और अपने आप को आम इंसान से हटाकर कुछ खास बना सकते हैं। यही वो शक्ति है जो हम उन क्रांतिकारियों में देखते हैं जो भूखे प्यासे भी अपने हक के लिए दिनों दिनों तक लड़ पाते हैं। यही वो शक्ति है जो उन लोगों के अंदर बहती है जो नए नए आविष्कार करते हैं, चाहे वो दुनिया के किसी भी तबके में हों, किसी भी अभाव में हों, पर वो इस दिव्य शक्ति के जरिए ही अपने अंदर से वो काबिलियत प्रकट कर पाते हैं। वो शक्ति हम सब में है, सिर्फ सो रही है। ध्यान के जरिए हम उस शक्ति को आज उठा रहे हैं। एक और लंबी गहरी सांस ठीक रीढ़ की हड्डी के नीचे वाले हिस्से पर ले जाएं और सांस छोड़ते हुए देखिए कि ये शक्ति ऊपर की तरफ आ रही है, आपके मस्तिष्क को जगा रही है। आपके मस्तिष्क के दोनों हिस्सों के बीच में एक प्रकाश जागृत हो रहा है जो आपको इस पूरे विश्व से जोड़ रहा है, आपकी आत्मा को जागृत कर रहा है, आपके सारे चक्रों को जागृत कर रहा है। एक समभाव आपके शरीर में बना रहा है। भूतकाल भविष्यकाल से परे आपको इस वर्तमान में प्रतिष्ठित कर रहा है, जहां सारी शक्ति आज इस समय आपके अंदर प्रवाहित हो रही है। जब आप अपनी शक्ति में पूर्ण रूप से प्रतिष्ठित हो जाते हैं तो आपके अंदर सिर्फ और सिर्फ दूसरों को भला करने की काबिलियत आ जाती है। एक ऐसी दिव्य आत्मा आपका साथ सदैव देती है कि आप किसी भी परिस्थिति में हो, चाहे वो गलत ही हो, तो अब आप उसे सही बनाने की क्षमता रखते हैं। कुछ पल इस शक्ति को महसूस करिए कि किस तरह से ये ऊपर और नीचे बहे जा रही है और कमर पूरी तरह से सीधी हो रही है। शरीर के किस किस भाग में आपको तरह तरह की चेतनाएं हो रही हैं, महसूस करें। उस परम शक्ति को बहने दें। हर दिन इस तरह ध्यान की स्थिति में रहकर आप उस शक्ति का आह्वान करते हैं, उस शक्ति को अपने अंदर बुलाते हैं और अपने अंदर बहने देते हैं, जिससे आपका भी और दूसरों का भी भला होता है। आपके सारे काम स्वयं ही पूरे हो जाएंगे और आप में इतनी ऊर्जा रहेगी कि आप दूसरों के भी काम कर पाएंगे। महसूस करिए किस तरह से ये चेतना आपकी रीढ़ की हड्डी के निचले हिस्से से
ऊपर आती जा रही है, ऊपर आती जा रही है और आपके दिमाग में एक तरह का संभाव बना रही है। आपकी आवाज में एक तरह की दृढ़ता ला रही है, आपके विचारों में एक दृढ़ता ला रही है कि अब आप अडिग हैं, आपका मन पूरी तरह से आपके काबू में है और आप अपने विचारों को फलित कर सकते हैं। कुछ पल इस शक्ति में बैठें और इसे महसूस करें। धीरे धीरे हम इस शक्ति को अपने साथ वापस लाते हुए अपने आम जीवन में इसे प्रवाहित होने देंगे। जितना हम इस प्रक्रिया को दोबारा करेंगे, उतनी बार हमें अपने अंदर एक नया जोश, नई स्फूर्ति महसूस होगी, नई काबिलियत महसूस होगी। इसे अपने साथ वापस लाते हुए अब हम धीरे धीरे अपने शरीर में वापस आएंगे। अपनी दोनों हथेलियों को आपस में रगड़ें और इसे अपनी आंखों पर रखते हुए एक मन सी मुस्कान लेकर आए। अपनी ऊर्जा शक्ति से वाकिफ रहें और अब धीरे से अपनी आंखें खोलें और स्वागत है आप।